जब भी हम लोग आईब्रो फील करते हैं, मेकअप करते टाइम सीटीएम करना होता है। सीटीएम होता क्या है? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, क्लींजिंग मिल्क, आपका जो क्लींजिंग मिल्क होता है उससे फेस को वॉश करना होता है अच्छे से। तो अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो नॉर्मली आप नहा के आ रहे हो तो क्लीनअप तो करोगे ही ना फेस वॉश से, तो वो क्लीनअप हो गया। और टोनिंग मतलब टोनर आता है, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। पूरे फेस को अच्छे से गीला करना है, 2 मिनट का टाइम देना है ताकि आपका जो टोनर है या फिर गुलाब जल है आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अगर वो उसके बाद से आपको 2 मिनट के बाद से मॉइस्चराइजर जो भी आपके फेस पे सूट करता है वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ताकि आप उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए फेस में। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करोगे और डायरेक्ट आप अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो मेकअप का, तो आपका जो मेकअप होता है वो फट जाएगा और केकी हो जाएगा, जो बाद में बहुत भद्दा लगता है। तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, प्राइमर भी अप्लाई करना है। प्राइमर का क्या काम होता है, जो आपका मेकअप बाद में ब्लैक पड़ जाता है, ग्रे हो जाता है, तो आप प्राइमर लगाओगे तो जो आपका ओपन पोर्स होता है गर्मियों में जो पसीना निकलने की वजह से आपका जो फाउंडेशन होता है आपके पसीने के साथ मेल्ट होता है और आपका मेकअप जो होता है वो ब्लैक पड़ जाता है। तो आपको अगर प्राइमर अप्लाई कर दोगे तो जो आपका ओपन पोर्स है वो हाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी प्रोडक्ट नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाता है प्राइमर की वजह से, और आपका मेकअप फिर ब्लैक निकलता है। और सबसे मेन रीजन होता है मेकअप ब्लैक होने का, जो आप लोग कलर करेक्टर यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई कर दे रहे हो तो आपका जो मेकअप है वो ग्रे पड़ जाता है बाद में। कभी भी अप्लाई करके देखिएगा, जिस जैसे मुझे है डार्क सर्कल है, मैंने डार्क सर्कल पे डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, तो बाद में जब पाउडर वगैरह अप्लाई कर दियो पूरा मेकअप होने के बाद से यहाँ पे अजीब सा ग्रे दिखता है। इसीलिए कलर करेक्टर बहुत जरूरी होता है। कलर करेक्टर ये होता है ऑरेंज कलर का, इसमें का 3 आता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है एंड ये ग्रीन कलर का होता है। तो ऑरेंज जो होता है वो हम लोग अपने ब्लैक एरियाज को हाइड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल हो गया, अनइवन स्किन हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, जैसे छाई वाई, उसकी जगह पे आप ये यूज करोगे। और हाँ, ऑरेंज वाला। और जो ग्रीन वाला होता है, कहीं पे पिंपल्स का निशान है, रैशेज है, रेडनेस है, वहां पे आप ग्रीन कलर अप्लाई करोगे। और येलोनेस जो होता है, जैसे कि हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है आईज के पास, लिप्स के पास, तो आप येलो वाला अप्लाई करके वो अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको आईब्रो फील करने के लिए बता रही हूँ। तो आईब्रो फील करने के लिए आपको सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो जेल आईलाइनर होता है। आईब्रो पेंसिल से भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये वाला। ठीक है, तो आपको मिरर ले लेना है अपने सामने, कस्टमर का जो भी शेप हो, मैं खुद पे बता रही हूँ। इस तरीके से पूरा अच्छे से आईब्रो को शेप देना है। इनर कॉर्नर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा प्रोडक्ट आपको अपने आउटर कॉर्नर पे और मिडल पार्ट पे, मिडल पार्ट यानी कि यहाँ पे एंड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर पे बस एक बार आपने, मैंने जैसे लगाया है यहाँ पे, इतना ही लगा के इनफ है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर लाइन आपकी दिखनी चाहिए आईब्रो फील करते टाइम। लगा दिया, इसको मिक्स करने के लिए हमारा ये वाला जो ब्रश होता है, ये वाला ब्रश यूज करना है। इसको अपर डायरेक्शन में इस तरीके से जब तक मिक्स करेंगे तब तक ये अच्छे से मेल्ट, मतलब जो लाइन है वो मिक्स ना हो जाए। आप लोग सीखते टाइम क्या करते, जल्दी जल्दी ऐसे करते, जो लाइन से नीचे ऊपर आ जाता है वो गंदा लगता है बहुत, मतलब एकदम बेकार लगता है। उसके आपको एकदम आराम आराम से, आपकी लाइन नहीं बिगड़नी चाहिए, उसके अंदर अंदर ही आपको मिक्स करना है, ताकि अगर आपको मेकअप नहीं भी करना है तो आपने जो आईब्रो फील किया है वो अच्छा दिखे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आईब्रो फील कर लिया एंड ये काफ़ी नेचुरल लगता है, और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। बट आईब्रो तो हमने फील कर लिया, तो कई केसेज में क्या होता है, हमारा कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो, और हमने ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल लगाया है तो हमारा जो फेस होता है वो डर्मेटिक दिखता है, यानी कि बहुत अजीब दिखता है, कलर बहुत फेयर है, डार्क आईब्रो। तो आपको ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल लेना है एंड अप्लाई करना है। बट कई केसेज में क्या होता है, हमारे पास ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर का नहीं है, जेल आईलाइनर भी ब्राउन शेप में आता है, तो अगर आप बहुत फेयर हो तो आप ब्राउन कलर का ही जेल आईलाइनर चूज कीजिएगा। तो अगर हमारे पास नहीं है ब्राउन कलर और हमको किसी सडनली किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को
आईब्रो फिल करना है एंड मेकअप के लिए कोई आ गया और हमारा प्रोडक्ट ख़त्म है, तो आप क्या करोगे, आपको लेना है आई शेडो पैलेट, जो आपका आई शेडो पैलेट होता है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें से आप डार्क कलर का ब्राउन कलर चूज कर लो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एंड इसमें से मैं डार्क कलर का कलर पिक करूँगी अपने ब्रश पे, और ये देखिए डार्क ब्राउन कलर ले लिया, अब इसको पिक किया मैंने ब्रश पे और इसको इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। इससे हमारा आईब्रो का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड जो हमारा कलर है वो भी जैसा हमको चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सेम दूसरी साइड वाला भी आईब्रो फिल करना है, ओके। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने आवाज़ पहले ऐड की थी, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है यानी कि जहाँ से हमको उठाव देना होता है आईब्रो को, हमको आई मेकअप करने से पहले, आई मेकअप जब स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हाइलाइटर यूज करना है, भर भर के हाइलाइटर लगाइए, इससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखेगा। तो आपको अपने जहाँ पे हमारा उठाव है वहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है, देन क्रीच एरिया पे अपने काम करना है, ओके। अब इसी तरीके से सेम मैंने दूसरा आईब्रो फिल कर लिया है, और आपको अपना लिपस्टिक कैसे लगाना चाहिए उसको कल की वीडियो में बताऊँगी, और जैसे आपको परफेक्ट आपका जो आईब्रो का शेप है वो मिल जाए बेस्ट, आप उसके बाद से आप अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम अपना आईब्रो फिल कर लीजिए, आई मेकअप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपने फेस का मेकअप कीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एंड मैं आज आपको एक खुले बालों में, छोटे बालों में खुले बालों के साथ खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बता रही हूँ। ये हेयर स्टाइल करने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपको अपना जो हेयर स्टाइल कर रहे हो तो उसमें आपको अपने बालों को एकदम स्ट्रेट लुक देना है, क्योंकि जो हेयर स्टाइल होगा उसका जो हम ट्विस्टिंग करेंगे एंड इसको मैसी लुक में दे रहे हैं, तो स्ट्रेट बालों पर जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव एंड यूनिक सा दिखेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आपको सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा, वहाँ पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे मिडल पार्टीशन से यानी कि बीच मांग से छोटे बालों में खूबसूरत सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। आप अपने बालों को पहले स्ट्रेट कर लीजिएगा अगर पार्टी फंक्शन में आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है यहाँ पे, तो अच्छे से कॉम करके मिडल पार्टीशन से। मैं अपनी स्टूडेंट्स को बता रही थी आईब्रो फिल करने के बारे में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लेना है, थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, अभी अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट जब करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको हेयर को खींचना है, जिससे कि अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं, तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम आ जाए और लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से खींचने के बाद से आपने बिफ़ोर आफ्टर देखा, अभी पहले पतला लग रहा था, अभी हमारे ट्विस्टिंग में काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम आ गया है। अब इसको बैक साइड में यहाँ पे ले जाएंगे और बॉबी क्लिप, टिकटेक क्लिप जो भी आपके पास है उससे आप इसको सेट कर लोगे। सेकेंड लेयर लेंगे और उसी तरीके से सेम आपको ट्विस्ट करना है, ये देखिए। और अगर आपको ऐसे खींचने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्टिंग के नीचे से एक पतला सा लेयर लेना है अपने बालों का इस तरीके से, और उसको खींच देना है। और देखिए ऑटोमेटिकली ट्विस्टिंग काफ़ी खूबसूरत सी बन गई और बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसको उसी ट्विस्टिंग के जस्ट नीचे ले जाके क्लिप की मदद से सिक्योर कर देना है, ओके। सेम इसी तरीके से आपको तीसरा वाला ट्विस्टिंग भी बनाना है। तो आप देख रहे हो जो इसका हेयर स्टाइल का लुक है वो काफ़ी मैसी सा और खूबसूरत सा दिख रहा है। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो आपको स्ट्रेट बालों पे काफ़ी अच्छा दिखेगा। पतला सा लेयर लेके ऐसे मैंने खींच लिया, अब इसको भी सिंपली पीछे लेके जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्विस्टिंग एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, जस्ट नीचे नीचे ही लेना है एंड क्लिप की मदद से सिक्योर करते जाना है, ओके। तो इस तरीके से हमने एक साइड का तो बना लिया, अब आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से बनाना है। तो चलते हैं दूसरी साइड, दूसरी साइड के लिए भी आपको इसी तरीके से सेम करना है, और ये आप पार्टी में, शादी में कर सकते हो, छोटे बाल हैं तो भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा।
इसके साथ आप इस तरीके के झुमके जो बड़े बड़े आते हैं उस टाइप के आप पहनने हैं, जो कि आपका जो लुक है वो काफ़ी और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव कर देगा ये इस तरीके का ईयरिंग्स डालने से। अब इस साइड में हमने सेम तरीके से हेयर को उठाया है एंड ट्विस्ट किया है, बट यहाँ पे मैं खींचूँगी नहीं, सिंपली ट्विस्टिंग के नीचे से एक पतला सा लेयर लेंगे और आगे की तरफ खींच देंगे सारे बालों को और इसको लूज कर देंगे एंड इस तरीके से बैक साइड में क्लिप की मदद से सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया था क्योंकि आपने दूसरी साइड देखा है अच्छे से बनाने के लिए कैसे बनाना है। अब इसी तरीके से सेम आपको यहाँ पे भी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करना है। तीसरा लेयर लेंगे और इसको भी ट्विस्ट करेंगे उसी तरीके से खींचेंगे एंड वाओ, क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। इसके साथ आप अपने बालों को स्ट्रेट जरूर कर लीजिएगा जिससे कि जो आपका लुक है वो काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसके साथ जो ब्रॉच आते हैं हेयर डेकोरेट करने वाले पिंस वो भी अप्लाई करेंगे सेंटर में दोनों लेयर्स को पकड़ के, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।